आज रियांश को सुलाने की तैयारी कर रही थी ना, तो देखा अजीब सी ना खरखर की आवाज़ आ रही है सांस लेने में। तो मैंने बोला चलो तुम बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं किचन में आई घरेलू इलाज बनाने के लिए। पटा ले लिया है, इसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच शुद्ध देसी घी के साथ में 1 चम्मच सेंधा नमक, और इन दोनों ही चीज़ की ना हमें घुटाई कर लेनी है। इस तरीके से आपके पास कोई पत्थर हो ना उसकी हेल्प से कीजिएगा। तो बस जब तक ये ना बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर में नहीं बन जाता ना, तब तक आपको इसकी घुटाई करनी है, और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से ये फूल गया है। थोड़ा सा था, अब ज़्यादा हो गया है। अब बस इसे मैं एक डब्बे में स्टोर कर लूँगी, इसे हम 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। अब एक हो गया तरीका, अब दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो बस एक तवा ले लिया है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन। इन दोनों ही चीज़ों को हम भून लेंगे जब तक थोड़ा ब्राउनिश नहीं हो जाता, और बस इसकी हमें एक पोटली बना लेनी है। और साथ में मैंने ये तेल तो बनाया ही था, सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल के ये भी हम लेंगे। तो बस ये 3 चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, और 1 हफ्ते के अंदर रियांश को जो सर्दी हो रही है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तेल से हम तलवों की मालिश करेंगे, जो क्रीम बनाई है उसे हम छाती में लगाएंगे, और जो पोटली हमने बनाई है ना उसे हम ऐसे ही रख देंगे बनियान के अंदर। आप रख दीजिए, उसकी स्मेल से ना जो कफ है ना जो जम रहा है वो पिघलता है।